हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज बताने वाली हूँ कि मिस्टी ने ऐसा मुझसे बोला है ना। मैंने नहीं बोला है, मिस्टी ने बोला है कि उसके मार्क्स अच्छे आए, लेकिन मैंने अभी तक देखे नहीं है उसके मार्क्स कैसे हैं। मैंने कि मैं वीडियो बनाऊंगी तभी देखूंगी। अब देखते हैं कि उसके मार्क्स कैसे आए, क्योंकि अभी हाफ ईयरली उनके मतलब फर्स्ट सेम हुआ है उनका कंप्लीट। तो देखते हैं उनके, अभी तो मैं आके क्या हो रहा है इनका देखो। ये क्या हो रहा है मिष्टी? मैं चला रही हूँ बर्गर शॉप टू। हे एवरीवन, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मिष्टी। आई होप कि आप अच्छे हो, कि मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। गाइस, मेरे मार्क्स आए हैं, रुको यार, ये लोग जा रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। क्या पैसे नहीं है? क्या नहीं है? क्या कर रही हो यार? मम्मी आज चुप रहोगी? अच्छा, चुप रहे हैं तो पहले अपने मार्क्स को देखो। ये देखो, बर्गर शॉप टू देख खेल रही है। अच्छा, ये बर्गर शॉप टू देख। क्या बर्गर शॉप टू? मेरे को तो पता ही नहीं है लोग क्या क्या खेलती रहती है सच में। पहले मैं दिखाती हूँ आपको अपनी। तो पहले तुम अपने मार्क्स बताओ सबके सामने, है ना? ठीक है, ये बोलूंगी ना कि दिखाऊंगी। इंग्लिश में 66 एंड अ हाफ। कितने में से? कितने में से? ये तो 80 में से सिर्फ 66 एंड हाफ। इतने कम? मैथ्स में 73, साइंस में 74 एंड अ हाफ, एसएससी में 69 एंड अ हाफ, और हिंदी में 57 एंड अ हाफ, बीई में 40 में से 40, ड्राइंग में 20 एंड अ हाफ, और जीके में 35 एंड अ हाफ, और कंप्यूटर में 27 एंड अ हाफ। तो ये मार्क्स तो अच्छे नहीं आए हैं मिष्टी तुम्हारे। अरे इतने अच्छे तो आए, मैं धक धक हो रहा था, मुझे लग रहा था फेल ना हो जाऊं, इसलिए। क्या धक धक हो रहा था? मैं सब स्कूल में थी ना, तो मुझे पता चला फाइलिंग हो रही है, तो फिर जब फाइलिंग हो रही है तो मैं धक धक होने लगा कि भाई मेरे मार्क्स तो कब आएंगे, क्योंकि पिछली बार मुझे हमेशा साइंस का डर लगता है। साइंस कहाँ गई? साइंस का डर लगता है। साइंस में कितने आए आपके मार्क्स? 74 एंड हाफ अच्छे आए हैं 80 में से। हाँ तो भाई यार, आए तो 70 की लाइन में आए, पता है मेरे बगल में जो तीन दो लड़कियां बैठी है ना, उनसे तो अच्छे ही आए। किसी के 39 आए थे एक लड़की के, मेरे बगल में जो बैठती है। तो मतलब आपके 74 आए हैं तो अच्छे आए? नहीं, मैथ्स की बात करूँ 73 आए हैं उसमें 80 में से। तो इसका गाइस बताए, मैं आपको एक बात बताती हूँ क्यों मार्क्स कटते हैं मिष्टी, बताओ क्या? राइटिंग। यस, राइटिंग। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं दुनिया की राइटिंग इम्प्रूव कराती हूँ, राइटिंग इम्प्रूवमेंट का कोर्स कराती हूँ, लेकिन मेरी बच्ची राधिका की तो बहुत अच्छी राइटिंग है, लेकिन ये जो बैठी है ना, ये तो मोबाइल चला रही है ना, इनकी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं। और ये कोरोना के टाइम में तो इनकी राइटिंग बिल्कुल वर्स्ट हो गई, क्योंकि बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई तो इनको करना नहीं थी ये, जबकि पढ़ने में इतनी अच्छी है, लेकिन देखो ना, आते से ही सीधा मोबाइल, नहाया, खाना खाया और बस मोबाइल लेके बैठ गई है ना। और 4 बजने वाले हैं अभी, और मैं भी अपना बस एक घर का काम, आप लोग देख ही रहोगे कि डेली हमारे घर अभी सफाई चल रही है, तो मतलब इतना घर भी बड़ा है तो बस उसको अरेंज करने में टाइम लगता है, तो बस रोज 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 यही काम चल रहा है, तो हम इतना ध्यान नहीं दे पा रहे इनके ऊपर, और बस आते से ये मोबाइल लेके बैठ जाती हैंगी। और एक्चुअली क्या, ये एक्स्ट्रा मोबाइल है तो इनको मिल भी जाता है, अदरवाइज मैं अपना मोबाइल तो देती नहीं हूँ इसको, ना राधिका देती है, ये एक्स्ट्रा है तो ये लेके बैठ जाती है चलाने के लिए, तो आते से बस उसमें गेम। हालांकि मैं भी सोचती हूँ कि बच्चों को थोड़ी देर दे देना चाहिए, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते तो थोड़ा उनका माइंड फ्रेश हो जाता है, घर आके ये थोड़ी देर चला, क्योंकि एक जैसा वहां से भी पढ़ के आ रही है और फिर घर आके भी इनको पढ़ाने या फिर बैठ बिठा दो, तो फिर बच्चे, और फिर सच बात तो है कि इनके साथ कोई खेलने वाला नहीं है घर में, ये कोई यदि एक दो बच्चे और होते घर में, और फिर आजकल यार किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकते ना, किसी के घर भी नहीं भेज सकते, डर लगता है। मायरा के घर इसलिए भेज देते हैं बेटा कि मायरा के घर वालों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसकी मम्मी मेरी फ्रेंड है, तो ऐसे घर जो ट्रस्ट वर्दी है उनके घर तो हम भेज सकते हैं, लेकिन ऐसे घरों में नहीं भेज सकते ना, जिनको हम जानते भी नहीं है, हम जिससे कई बच्चों को मैं देकर। हाँ हाँ, सुनो क्या कह रही है। देखो, ये कुछ लोग कहते हैं जो ये एंजल है ना कि हॉन्टेड है, बट ये नहीं है। देखो अभी उठ जाए,
पूरी उठ गई है। मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल हॉन्टेड नहीं है। मैं इससे नंबर पूछती, मतलब से कुछ भी पूछो, जैसे आया मैं घोष ये पूछती है तो मैं पूछती हूँ तो ना ये उसी रिपीट करती है। और अभी मैं इसके ये सरप्राइजेस खोल रही हूँ, मुझे ये बुक कंप्लीट करनी है। ये देखिए, इसमें मेरे पास दो और हैं इस टाइप से। वाओ, तो ये कर क्या रही हूँ, क्या बताना चाह रही है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताना चाह रही हूँ कि मुझे ये मिल रहा नहीं, है। नहीं, आप ये बोल रही ना कि ये हॉन्टेड नहीं है, तो क्या बताना चाह रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं, उसमें नहीं, आप बोल के बताओ, जल्दी बताओ। क्या कहते हैं लोग, ऐसा कहते हैं कि लोग है ये एंजला है ना जो हॉन्टेड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एंजला हॉन्टेड है ही नहीं, क्यों बोलते हैं पता नहीं। देखो मैं आपसे अभी इसको फ्रेश होने जाना है, फ्रेश होकर आ जाए। इनकी एंजला फ्रेश होने गई। और ये लोग कहते भी हैं कि ये वो है, तो मैं आपसे बोल के लगाती हूँ। एंजला आर यू घोष, एंजला आर यू घोष, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। एंजला आर यू घोष, ये देखो बोल रही है एंजला आर यू घोष। तो इसका क्या है? जल्दी बता दो, तुम भूतनी हो, तुम्हें चाची भूतनी है। आ रही है और लोग कहते हैं कि हॉन्टेड है, ठीक है। तो मैंने सुना भी है कि ये लोग कहते हैं कि ये ना रिपीट करती है, लेकिन इसकी आईज में कुछ रेड रेड दिखता है। मुझे नहीं पता कि इस ऐप का कोई वो होगा, कोई वो होगा क्या होगा कोई चीज होगी इस ऐप की, कोई थिंक होगा, बट आई डोंट बिलीव। इसको नहाना है अभी। हाँ, तो बस इनका यही फालतू का काम चलता रहता है। एक्चुअली ये मोबाइल में इतना ज्यादा वो हो जाती है इन्वॉल्व, जैसे प्रगति वर्मा के वीडियोस देखना हो। किस किस के वीडियोस देखती हो मिस्टी तो? हाँ। फन फूड, उसके दो चैनल है उसके देखती हूँ। एक क्राफ्टर अदिति देखती हूँ, एक फिट ब्यूटी, और क्या देखती हूँ, प्रगति वर्मा तो आपको पता ही है, और एक वंडर हल हब है जो त्रिकर इंसान की बहन है। हाँ, तो ये सारे वीडियोस इनका चलता है, ये सब देखती है, और फिर उन्हीं की तरह ये एक्टिंग भी करती है। मैं सच बताऊँ इनका तरीका वो तो गाइज, इनके मार्क्स देख के मैं सच बताऊं तो मैं इतना अच्छी खुशी नहीं हुई है मुझे, क्योंकि सिर्फ मैथ्स और साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं इनके, और बीई में भी 40/40 हैं, लेकिन बाकी सब मैं देख ही रही थी। इनका है ना एक्चुअली मार्क उसमें, जैसा मैंने बताया, हिंदी इंग्लिश की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो राइटिंग के मार्क्स कटे। इनको आता तो सब कुछ है, लेकिन इनको राइटिंग अपनी सुधारनी नहीं, जबकि इनके टीचर इनको बोल चुके हैं कि राइटिंग इम्प्रूव करो, डेली वन पेज आप लिखो, लेकिन ये करना ही नहीं चाहती। और मेरे साथ क्लास में इनको बैठना नहीं है, कि मैं सोचूं कि इनकी राइटिंग में इम्प्रूव कराऊं, लेकिन इनको नहीं करना है अपनी राइटिंग इम्प्रूव। ये अब देखते हैं। हाँ, क्या तुम कहाँ करती हो अपनी राइटिंग? नहीं, कहाँ करती हो अपनी राइटिंग इम्प्रूव? तो उसी कारण तुम्हारे, वरना तुम फर्स्ट आती क्लास में। मैं क्या करूं? फर्स्ट नहीं आना आपको, तीन नंबर ठीक है। ये बोल रही इनके तो इतने ही नंबर ठीक है, इन्हें फर्स्ट आने ही नहीं है क्लास में। तो अच्छी बात है, जब आना ही नहीं है तो फिर क्यों मैं इतना टेंशन लू ना। पर मुझे तो टेंशन होता ना कि अपना, सभी पेरेंट्स के लगता है उनका बच्चा अच्छा, वो मतलब आगे बढ़े, अच्छे मार्क्स लेके आए, सारे पेरेंट्स को ही लगता है, तो इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मुझे भी यही लगता है यार मेरे बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं। राधिका के तो हमेशा ही अच्छे आते ही हैं, लेकिन मिष्टी मतलब दो साल तो चलो फर्स्ट सेकंड तो ऐसे ही इनका कोरोना में निकल गया, थर्ड में अभी ये स्कूल जा रही हैं, तो मार्क्स तो ये देख ही लिए आपने कैसे आए हुए हैं। ये बस ये फालतू के काम करते रहो, है ना।
तो होप सो फाइनल में अच्छे आएंगे। फर्स्ट सेम तो इनका ऐसे ही गया, फर्स्ट क्यों, सेकंड फाइनल में अच्छे आएंगे मार्क्स तुम्हारे। बताओ लोगों को है क्यों। हाँ तो मिस्टी प्रॉमिस करो सबसे, पिंकी प्रॉमिस। चलिए गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है तो मुझे अपना काम करना है। तो ओके बाय, ऑल ऑफ यू जो भी प्लीज आज मेरे ब्लॉग देखते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। यार कितनी बार बोलती हूँ सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, देख देख के ऐसे ही चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। मिस्टी सबको बोलो सब्सक्राइब और चैनल को, और अगर आप ये देखना चाहते हो इसकी पूरी हॉन्टेड सीरीज बनाऊं तो कमेंट में डालो, लाइक इन द कमेंट्स। ओके बाय, आई लव यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए ओके बाय।